सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के मैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना यार, वो स्मार्ट वॉच के बारे में। जो है हमारे पास जो आ चुके हैं स्मार्ट वॉच T500, जो कि यार एप्पल की वॉचेस के मुकाबले में इसकी बहुत ही कम प्राइस है। और यार इसमें फीचर्स ऐसे ऐसे ना, आप लोग देख के खुद ही हैरान परेशान हो जाओगे। मतलब कि यार उसमें आपको स्टेप काउंटर, फाइंड माय फ़ोन और भी ब्लूटूथ कनेक्टेड फ़ोन, कॉलिंग वगैरह सब कुछ आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैसेज वगैरह सब A to Z। यार मतलब ये वॉच जो है थोड़ी पुरानी है, बट यार ये वॉच बहुत ही काफ़ी जो है पायदार वॉच आप लोग कह सकते हो। और अगर आप लोग यार फर्स्ट टाइम वॉच बाय कर रहे हो, तो आप लोग ये वाली वॉच की तरफ भी जा सकते हो, और प्राइस की बिल्कुल मुनासिब है। तो मैं लास्ट में आपको इसकी प्राइस बता दूंगा। तो अभी चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पर और देखते हैं हमें वॉच कैसी देखने को मिल रही है, और अगर आप इसको डब्बा पिक लेते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं। सो यार लेट्स गेट स्टार्ट। सो यार अगर बात की जाए वॉच के बॉक्स की, तो आप लोग यार गौर करो, इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट का जो है वो लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो वॉच है हमारे पास वो ब्लैक कलर में, अगर यहाँ पर जो है वाइट होता तो समझो वाइट कलर में हमारे पास वॉच होती। अगर बात करी जाए इसके बीच में जो है एक मेडल बनाया हुआ है, ये जो है वॉच की डिज़ाइन है, और इसके ऊपर स्टैम्प मेंशन किया गया है। बाकी अगर नीचे आ जाते हैं तो वॉच का मॉडल लिखा है। सो यार सबसे पहले जो है हमें वॉच का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन में, और आप लोग देख सकते हो यार इसके साथ साथ आपको जो है वॉच का बेल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको मुड़ाओ जो भी करो यार ये बेल्ट खराब होने वाला नहीं है। बहुत ही डिसेंट सा लुक जो है बेल्ट का देखने को मिल रहा है। और यार अगर बात की जाए वॉच के डायल की, तो आप लोग देख सकते हैं और काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। साइड पर जो इसको आपको पावर ऑन ऑफ का जो बटन देखने को मिल जाता है। नीचे जो ये लोग ने एक स्मार्ट वॉच की जो कॉपी करी, तो इसका जो ये लोग बटन दिया गया, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करता, वो बस ऐसे ही बटन दिया गया। और अब जो है इसको ऑन करने लगे, और देखते हैं इसके अंदर कौन से फंक्शन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। और यार मैं आपको वॉच को ऑन करने से पहले एक और बात बता दूं कि ये जो है वॉच हमें जो एक साथ बनी हुई नहीं आती, मतलब कि टुकड़ों टुकड़ों में आती है। इसके बेल्ट अलग होते हैं और वॉच का डायल अलग होता है। यह आपको जो खुद ही लगानी पड़ती है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कैसे लगा रहे हैं। यार अगर आपका जो ये वॉच के बेल्ट जो ख़राब हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, मार्केट में आपको ये मिल जाएंगे। बट साइज़ इनके अलग अलग होती है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ओरिजिनल एप्पल वॉच के भी जो है मिल जाते हैं। और यार अब बात कर लेते हैं कि इस स्मार्ट वॉच को जो आपने चार्ज कैसे कर रहा। तो शुरू में जो मैंने आपको बताया था, इसका चार्जर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही यूनिक चार्जर है, ठीक है। आपने सबसे पहले वो जो चार्जर अपने किसी भी अडेप्टर में कनेक्ट करना है, देन इसमें प्लग इन करना है, और इसको आपको नीचे रख देना, और इस स्मार्ट वॉच को जो है उस चार्जर के ऊपर जब रखेंगे, तो इसके आप देखेंगे दो पिनें लगी हुई। इस दो पिन के ऊपर आप जब रखेंगे ना, तो यार आपकी वॉच जो है स्मार्ट वॉच चार्ज होने लग जाएगी। और यार इसका चार्जिंग टाइम बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे आपने चार्ज करा और फिर आपके 1-2 घंटे में चार्जिंग खत्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉच की जो बैटरी लाइफ काफ़ी बेहतर है, आप लोग इसको जो अपने नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यार बाकी आप लोग वॉच का जो है मेन्यू देख सकते हो, कैसा काफ़ी अच्छा लुक जो है देखने को मिल रहा है। बाकी आपको अराउंड में जो भी एप्लीकेशन देखने को मिल रही है ना, वो सब वॉच में फिलहाल वर्क नहीं करेंगे जब तक आप लोग जो है मोबाइल से कनेक्ट नहीं करोगे। जैसे आप लोग उसको ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो ना, ये तमाम ऑल एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर ही चलेंगे। जैसे फ़ोन कॉलिंग है और भी बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं ना, मोबाइल से ही आपके चलेंगे। और यार मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने लगा हूँ कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर जो आपको फाइंड माय फ़ोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिलफर्ज यार अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और गलती से आपका फ़ोन कहीं रह जाता है, और अगर आपका फ़ोन स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है, तो फिर जो आप लोग इस फंक्शन का जो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन कहाँ रखा हुआ है, कहाँ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे को फंक्शन यार बहुत ही कसम से अच्छा लगा। और यार बाकी इसका जो टच वगैरह बहुत ही सॉफ्ट है, अगर आप लोग जो इसको यूज़ करते हो। और ये थे इसके कुछ फंक्शन। और बाकी अगर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बात की जाए, तो इसके अंदर बाकी वही सारे फंक्शंस आ जाते हैं जो ज़्यादातर यार स्मार्ट वॉचेस में हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि वो रस्सी वाली जो गेम होती है, उसके जो है स्टेप्स हैं और स्टेप काउंटिंग है, और अगर हार्ट रेट की बात की जाए, तो हार्ट बीट वगैरह सब बता देगा। इसमें बैक पे जो सेंसर दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो इस वॉच के 12 फेसेस है, मीन्स के वॉलपेपर भी आप लोग कह सकते हो, जो चाहे आप लोग इसको सेट कर सकते हो। स्वैप करते जाओ, वॉलपेपर चेंज होते जाएंगे। नीचे से स्वैप करोगे तो जो आपको ब्राइटनेस, टॉर्च, फोन कनेक्टेड, ब्लूटूथ सब ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करके अपने फ़ोन के साथ भी जो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं इसमें टॉर्च वगैरह भी ऑन करेंगे तो ये टॉर्च ऑन हो जाएगी, ठीक है। और जो इसमें ब्राइटनेस वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है। और यार ये वॉच मेरे को काफ़ी बहुत ही अच्छी लगी यार, खुद अगर बात की जाए तो मेरे को वॉच काफ़ी अच्छी लगी। और यार अगर आपने स्मार्ट वॉच G13 की वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। और बाकी जो इसमें स्पीकर वगैरह भी सब देखने को मिल जाए, और वॉल्यूम भी आप अप डाउन कर सकते हो। इसका स्पीकर और वॉल्यूम भी थोड़ा सा नॉर्मल ही है, इसमें कोई
कॉल वगैरह आएगी या फिर इसमें कोई मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा, काफ़ी तेज़ इसका स्पीकर लाउड नहीं है। ठीक है, तो यार अब बात कर लेते हैं फाइनली इसकी प्राइस की। तो यार आपको पाकिस्तान में जो है स्मार्ट वॉच T500 जो है आपको 2000 से लेके 2500 के इर्द गिर्द देखने को मिल जाएगी। अगर कोई पुरानी बेच रहा होगा तो 2000 इतने की, कोई डब्बा पैक बेचेगा तो 2200-2300 इतने की मिल जाएगी। ठीक है, तो यार आप लोग को ये वीडियो किसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी बता देना अगर आप लोग बताना चाहते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।